महंगाई खाली गुजरात में नहीं है, पूरे मुल्क में महंगाई है, पूरे मुल्क में बेरोजगारी है, पूरे मुल्क में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। पेट्रोल के डीजल के दाम, दालों के दाम, तेल के दाम क्या है आपको मालूम है। आरोप लगाते थे कांग्रेस सरकार, जब यूपी गवर्नमेंट थी तब आरोप लगाते थे, बड़े बड़े आरोप लगाए कोलगेट के लगा दिए। अब वो कोलगेट कहाँ है? आपने 8 सालों की जेल भेजा किसी को, 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगा दिया, काला धन लेके आएंगे विदेश से, चर्चा होती नहीं देश के अंदर काले धन की, लोकपाल अन्ना हजारे बैठा दिया धरने पे, वो लोकपाल कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। तो आप सोच सकते हैं कि इनके शासन में जो वादे किए गए थे, मोदी जी खुद ने किए वादे, 2 करोड़ नौकरी देंगे हम लोग प्रति वर्ष, भूल गए वादे को। तो ये हालात जो देश में है उसको आपको हमको समझना पड़ेगा, और देश हित के अंदर अगर गुजरात में सरकार बदलती है तो मोदी जी भी, अमित शाह जी भी और इनका नेतृत्व भी समझ जाएगा कि चुनाव हारे क्यों गुजरात के अंदर। उसका पोस्टमार्टम होगा, मालूम पड़ेगा महंगाई के कारण हारे हैं तो महंगाई कम होगी देश के अंदर, वो कदम उठाए जाएंगे। अभी लापरवाही करे परवाही नहीं कर रहे हैं ये लोग। मालूम पड़ेगा बेरोजगारी बहुत भयंकर है, उसका गुस्सा लोगों के अंदर है, इसलिए सरकार नहीं बन पाई हमारी, उसके कारण भी ये लोग कदम उठाएंगे कि रोजगार दो, नौकरी लगाओ, इन्वेस्टमेंट लाओ। अभी तो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, जा रहा देश से। ये तो दुख की बात है कि 9 लाख लोग चले गए देश से, देश छोड़ के। हालात ये है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा दुनिया के मुल्कों का, इन्वेस्टमेंट जा रहा है यहाँ से, तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को? ये तमाम बातें आपके जहन में होनी चाहिए। और कांग्रेस तो हमेशा फैसले किए जनहित में किए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए किए हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। जो कदम उठाए गए हैं, लंबी बात हो जाएगी, खड़गे साहब अभी आपको विस्तार से बात करेंगे। मैं खाली आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि कांग्रेस की सोच सकारात्मक सोच है, बदले की भावना नहीं रखते हम लोग। ये लोग तो टारगेट करते हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर, जुडिशी दबाव में है, ये इलेक्शन कमीशन दबाव में है, ये तमाम हालात शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। जहाँ लोकतंत्र हो वहाँ पर इस प्रकार का दबाव सरकार का उन संस्थाओं पे, जो संस्थाएं इंडिपेंडेंट होती है, उस पर होना उचित नहीं हो सकता है। लोग कहाँ जाए? अगर पुलिस सुनवाई नहीं करे तो कहाँ जाएंगे आप? आप कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे? वही दबाव में हो तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हालात हैं उसमें कांग्रेस ने आपसे वादे किए हैं, शानदार मैनिफेस्टो दिया है, शानदार उम्मीदवार खड़े किए हैं। आप देखा होगा कांग्रेस के उम्मीदवार पूरे प्रदेश में बहुत ही सोच समझ के दिए गए हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। मीडिया ही मानता है कि अच्छे उम्मीदवार घोषित किए कांग्रेस ने, और बीजेपी के 33 उम्मीदवारों ने रिबेल खड़े हो गए वो लोग उनके। तो आप सोच सकते हो कि विस्फोट कहाँ हो रहा है? विस्फोट हो रहा है बीजेपी के अंदर हो रहा है। आज तो मोदी जी पता नहीं क्या बोल गए, उनके जवाब तो खड़गे साहब देंगे आपको। आतंकवाद तक की बात कर ली उन्होंने कांग्रेस जोड़ करके। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात है देश के अंदर। वचन दिए हमने आपको 1040 में मिलता है गैस सिलेंडर, सरकार बनी कांग्रेस की तो आपको राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पर, वचन देके गए हैं कि आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा गुजरात के अंदर, ये वचन दिया है।